वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आज है वेनसडे और डेट है आज 27 नवंबर। और ये व्लॉग मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ, सुबह में कोई मैंने स्टार्ट नहीं किया था खाना वाना बनाया, क्योंकि आज मॉर्निंग में मेरी आँख थोड़ी सी देर से खुली थी, लगभग 5:45 बजे खुली थी। और उसके बाद क्या हुआ, सब्जी वगैरह भी कट की थी, मतलब बीन्स की सब्जी बनाई थी, आलू बीन्स की। तो आलू मैंने रात को, मैं मोस्टली कट नहीं करती हूँ, तो सुबह में ही आलू कट किए, तो बस यही करते करते फिर लेट हो गई। और दूसरा, इतेज का हम ब्लेजर लेके आए थे संडे को, तो थोड़ा सा उसकी जो ना बाजू वो लंबी थी और मुझे टाइम ही नहीं लग रहा था। मतलब मंडे को जब वो पहन के गया तो वो बोल रहा था कि इसको ठीक कर देना, उस दिन मैंने कहा कि आज पहन जाओ कल मैं ठीक कर दूंगी। उसके बाद ट्यूसडे को उसका छुट्टी थी तो उस दिन भी नहीं हुआ। और शाम को आने के बाद मैं बिल्कुल भूल जाती हूँ ऐसा कोई भी मुझे काम करना है। तो आज वो जब पहन के गया तो बस वो बोला कि मुझे ये ठीक कर दो, ठीक कर दो। तो उसको मैंने ठीक किया, मतलब उसके जो बाजू के बटन होते हैं वो पहले हटाए दोनों बाजू के, फिर उसको फोल्ड करके उसकी जो तुरपाई होती है वो की, और फिर दोबारा से उस पर वो बटन लगाए। क्योंकि बच्चे को ना थोड़ी सी जिद हो जाती है कि नहीं मैं ऐसे नहीं पहन के जाऊंगा, मैम बोलेगी या बच्चे कुछ बोलेंगे, क्योंकि उसकी बाजू थोड़ी सी लंबी थी ही। तो मुझे पहले तो ध्यान रहा नहीं, कल मुझे ध्यान आया ही नहीं, अदरवाइज मैं रात को भी करके रख देती हूँ, बिल्कुल ध्यान नहीं रहता आने के बाद इन चीज़ों का। बस ये होता है अपना खाना वाना किया, जो भी खाना वाना बनाया, तो उसको करने में मुझे लगभग 20-25 मिनट लग गए थे। तो इस वजह से आज मैं सुबह में बहुत लेट हो गई थी, मतलब मेरा खाना बनते बनते ही 8:15 बज गए थे, जबकि नॉर्मली मेरा खाना 7:30 बजे तक हो जाता है, 7:30-7:45 के। तो बहुत लेट हो गई थी, बहुत ज़्यादा, मतलब बिल्कुल भी ये नहीं रहा कि मैं वीडियो को स्टार्ट कर दूँ, तो इसलिए मॉर्निंग में मैं वीडियो स्टार्ट नहीं कर पाई। और आज दिन में हुई थी बारिश, और बारिश के साथ वैसे तो ओले भी आए थे, मतलब हल्के फुल्के छोटे छोटे थे, कुछ सेकंड से आए थे, ज़्यादा नहीं आए थे। तो अभी ठंड कल से भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और आज मैंने ये वाला अपना टॉप निकाल लिया था तो अच्छा हुआ, अदरवाइज अब इसमें भी जब मैं आ रही थी रास्ते में तो स्कूटी पे हल्की ठंड लग रही थी मुझे, तो अच्छा हुआ कि आज मैं वूलन पहले ही पहन के गई थी। और कल भी मैंने आपको बताया था कि हवा कल से ही चल रही थी, तो इसलिए मैंने मॉर्निंग में ये निकाल लिया था बेड से। वैसे तो और भी मुझे निकालने हैं, तो वो एक दिन आराम से निकालूंगी, टाइम लगेगा। और अभी मैं बनाऊंगी शाम का खाना हितेश नीचे, और आज हितेश के जो टेस्ट हुए हैं अभी वो मिल चुके हैं, वो मैं आप लोगों को थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगी। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि आज थोड़ी सी ठंड है ना, तो नमकीन चावल खाने का बड़ा मन है, मतलब सब्जियाँ डाल के मटर आलू गोभी ये वाली। तो गई थी मैं अभी शॉप पे कुछ सामान लेने के लिए, और मैं वहाँ पे खड़े खड़े सोचती रही कि क्या लेना है क्या लेना है, तो चावल लेके आने में भूल। इस बार हम जब ग्रोसरी लेके आए थे तो चावल हम नहीं लेके आए थे, क्योंकि उस टाइम काफ़ी सारे बचे हुए हम हो गए थे। तो मैं शॉप पे अभी गई भी थी, बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। और जब भी मेरा चावल का मन होता है कि तो ये होता है कि चावल लेके आने हैं लेके आने हैं। तो अभी दोबारा से जाऊंगी, पास में ही एक शॉप है तो वहीं पे, तो हितेश के साथ मैं जा रही हूँ, क्योंकि वो बोल रहा है कि मैं भी जाऊँगा। अगर मैं उसको बता दिया कि हाँ मैं चावल लेने जाऊँगी तो बस वो तो जाएगा ही जाएगा साथ में। तो पहले मैं चावल लेके आती हूँ, उसके बाद मैं बनाती हूँ नमकीन चावल, बहुत मन कर रहा है कई दिनों से। तो चलिए फिर मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। चलना है, चलना है क्या? ठीक है मैं चली जाती हूँ, कोई बात नहीं, तुझे चलना है तो आ जा, नहीं तो मैं जा रही हूँ। क्या हुआ, कहाँ जा रहे? दांत दिखा, दांत दिखा, दांत दिखा, एक मिनट, एक मिनट, दांत तो दिखा, दिखा। इधर से दिखाते, पापा कहाँ हैं? पापा, पापा आए कहाँ? कौन जा रहा है? हैं? हैं? ये क्या होते हैं? अभी कुछ नहीं कर रही मैं, देख ले। तो
शॉप से आने के बाद मैंने यहाँ पे दूध निकाल लिया है, तो मैं दूध को गर्म करने के लिए रखूँगी, क्योंकि हम लोग खाने के साथ दूध लेते ही हैं। तो यहाँ पे किचन में काम करने से पहले, मतलब स्टार्ट करने से पहले, मैं एक बार कपड़ा वगैरह मार लेती हूँ गैस पे भी और जो स्लैब होती है उस पे भी, क्योंकि दिन में खाना वगैरह बनता ही बनता है, मेरे जाने के बाद भी थोड़ा बहुत हितेश के लिए या मेरी मदर इन लॉ अपने लिए बनाती है, तो किचन थोड़ा बहुत फैल जाता है, तो आके मैं उसको साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद ही मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि फैले हुए किचन में मेरे से काम नहीं हो पाता है। तो अभी मैं जो चावल लेके आई हूँ वो ये होते हैं, मतलब जो टूटा हुआ चावल होता है ना वो दिए उन्होंने अंकल ने, मैंने उनको कहा था कि बासमती होने चाहिए, तो उन्होंने कहा कि ये लेके जाओ अच्छे हैं, मतलब की बार टूटा हुआ चावल साबुत चावल से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में है। तो मैंने सोचा कि चलो पहले ये वाले मैं 1 किलो ही लेके आई हूँ, मतलब पहले देख लेते हो अगर कैसे बनेंगे, अगर ये अच्छे बनते हैं तो फिर मैं यहीं से ले आया करूँगी बिग बाज़ार से, फिर मैं नहीं लेके आऊँगी, क्योंकि वहाँ से जो चावल लेके आते हैं वो 60 या 70 रुपये आई थिंक हमें पड़ते हैं। तो ये बस ये है कि टूटा हुआ चावल है, अगर क्वालिटी मुझे सही लगी खुशबू में या टेस्ट में तो फिर ये ज़्यादा ठीक रहेंगे। तो देखते हैं बना के, उन्होंने ही बोला कि आप पहले कम लेके जाओ, अब तक जो लेके गए हैं वो बोल रहे हैं कि अच्छे चावल हैं। तो बस थोड़ा सा मैं इनको साफ़ कर लेती हूँ, वैसे तो कुछ नहीं है, हल्का फुल्का बस एक बार हाथ लगा लेती हूँ। तो चावल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कुकर चढ़ा दिया है और इसमें मैं डालूँगी लगभग 1.5 चम्मच रिफाइंड ऑयल, और जब तक मेरा ये तेल गरम होता है तब तक मैं यहाँ पे प्याज काट लेती हूँ। तो 3 थोड़े छोटे साइज़ के प्याज मैंने यहाँ पे कट कर लिए थे, और जब तक मेरा ये तेल भी गरम हो गया है तो इसमें सबसे पहले मैंने डाला है हींग, और उसके बाद 1 चम्मच के आसपास जीरा, और उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिए थे प्याज जो मैंने कट करके रखे थे वो। तो बस प्याज को मैं कुछ मिनट के लिए भून लूँगी, लगभग 1 मिनट के आसपास, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी, बस जैसे ही प्याज थोड़े से हल्के से ब्राउन होना स्टार्ट होंगे तो मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 2 हरी मिर्च मैंने यहाँ पे कट करके रखे थे, तो वो भी मैंने डाल दिए हैं इसी में, और उसके बाद मैं इसमें सूखे मसाले डालूंगी। तो बहुत सिंपल सूखे मसाले मैं चावल में डालती हूँ, तो यहाँ पे मैंने डाला है हल्दी और नमक, और जैसे ही मैं मसालेदानी उठाती हूँ तो जो मसाले हैं वो मसालेदानी में ख़त्म हो चुके हैं, मेनली नमक। तो पहले जो भी मसाले मेरे ख़त्म हो गए हैं वो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, और मेरे साथ बहुत बार होता है कि जब भी मैं कुछ खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ तो जो भी चीज़ मुझे चाहिए होती है सब्ज़ी बनाने में या खाना बनाने में, वो कहीं ना कहीं मुझे कुछ ना कुछ चीज़ ख़त्म मिलती ही मिलती है। तो क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो बस जो जो मसाले मेरे यहाँ पे मुझे लग रहा था कि ख़त्म होने वाले हैं वो मैंने फिल कर लिए दोबारा से। तो उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा नमक और हल्की सी लाल मिर्च और डाली थी, और थोड़ी सी देर भुनने के बाद मैंने यहाँ पे 1 मीडियम साइज़ का आलू कट करके रखा था, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और कुछ सेकेंड्स आलू को करने के बाद मैंने यहाँ पे जो मटर थी और जो गोभी थी उसको अच्छे से वॉश करके रखा हुआ था, वो भी मैंने ऐड कर दी थी इसी तड़के के अंदर, और बस 1-2 मिनट उनको पकाने के बाद मैंने जो चावल धो के रखे थे वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और चावल डालने के बाद चावल और ये जो सब्जियां मैंने इसमें डाली है इनको मैं 1-2 मिनट सूखा ही, मतलब बिना पानी डाले इस तरीके से फ्राई टाइप कर लूँगी, और उसके बाद मैं इसमें जो पानी है वो डाल दूँगी। तो चावलों में मैं लगभग 2 गुना या 1.5 गुना पानी डालती हूँ, तो जैसे चावल होते हैं वो उसी के हिसाब से जाते हैं, तो यहाँ पे मैंने लगभग 2 गुना ही पानी डाला था, और बस इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी और कुकर का मैं ढक्कन लगा दूंगी, और बस इन चावलों में 1 सीटी में लगवाऊंगी, और 1 सीटी में बिल्कुल अच्छे से बनके तैयार हो जाते हैं। Shine, sticks, brings,
परसों जिसका दो दा वो कल दे देगा। हमारे पास वो भी नहीं है, तो मुझे बता बेटा ना। मम्मी पापा रेस्ट में होंगे, वो नहीं आएंगे, फोन कर दे, देखना पड़ेगा। तो चावल में सीटी आ चुकी है, मैं यहाँ पे दो चार रोटियाँ भी बना रही हूँ क्योंकि आटा भी रखा हुआ था। दूसरा कुछ लोग ऐसे हैं जैसे मेरा देवर है, उसको चावल थोड़ा कम ही पसंद है, तो एक दो रोटियाँ अगर आटा रखा है तो मैं फिर बना देती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं दो चार रोटियाँ बनाऊँगी जितना भी आटा रखा है। तो यहाँ पे मेरी रोटियाँ भी बन गई है और चावल का जो प्रेशर है वो भी ठंडा हो गया, मतलब कुकर का। और गैस को मैंने साथ के साथ साफ़ कर दिया है, तो गैस भी मैं मोस्टली साथ के साथ कर ही देती हूँ साफ़। और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो एक सीटी में बिल्कुल परफेक्ट चावल बनके तैयार हो जाते हैं, और सर्दियों में गरम गरम चावल खाने का मज़ा भी कुछ अलग ही होता है। दोबारा पढ़ के तो देख एक बार करने के बाद कि ठीक लिखा कि नहीं। तो हम सबका खाना वाना हो चुका है, बाकी घर वालों का भी हो चुका है खाना, बस थोड़े से बर्तन रहते हैं जो मुझे करने हैं इसके बाद। कुछ तो मैं साथ के साथ भी कर देती हूँ, लेकिन खाना वगैरह खाया था सिर्फ वो बर्तन बचे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं मेथी कट करके रख रही हूँ, संडे को लेके आए थे जब सब्जी लेके आए, लेकिन साफ़ तो कर दी थी ये, कट नहीं की थी, तो इसको मैं काट रही हूँ। तो देखती हूँ मैं सुबह में बनाती हूँ, क्योंकि काटने के बाद आप उसको फिर कभी भी यूज़ कर सकते हैं। मम्मी से मैं वेरी गुड मिला है इसमें, इसमें ना क्योंकि मैं गलत हो गया था ये वाला शॉर्ट फॉर्म। बाकी ऐसे दिखा ना टेबल, ये डोरिंग टेबल है। नेक्स्ट है किसका? लेना मैं भूल गया था, तो ठीक करे मैंने दोबारा से। फोटो खींच रहे हो? अरे यहाँ पे भी एक मार्क्स कट गया है, क्योंकि हितेश ने ये गलत कर दिया। क्या मीठा? मम्मी उसमें ना मिठाई लिख रखी थी, उसमें ना मीठा, वो अगर ए हटा दोगे ना उसमें ना ए की छोटी की मात्रा लग रही थी। वो मिठाई में लगती है, मीठा में तो बड़ी लगती है।
समझ गया। तो अभी मैं फिर से आ गई थी किचन में, क्योंकि थोड़े बहुत बर्तन रहते थे खाने वगैरह के, और जो कुकर वगैरह थे वो भी मैंने खाली कर दिए थे। और मोस्टली ये जो काम होता है मेरे रूटीन का या मेरे दिन का लास्ट काम होता है, उसके बाद मेरे सारे काम निपट जाते हैं। और अभी आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं बोर्ड, उसकी हालत हो चुकी है बुरी, क्योंकि यहाँ पे गीज़र का जो प्लग होता है वो लगता है, तो ये जल गया था जो स्विच होता है मेन स्विच, और उसको ठीक करने के चक्कर में बोर्ड के जो नट होते हैं मतलब जिससे ये टाइट होता है वो टूट गए। तो अभी ये इस तरीके से थोड़ा सा जुगाड़ वगैरह करके किया गया है, तो यही चीज़ हो जाती है कई बार। तो चलिए मैं इस वीडियो को फिर कर देती हूँ यहीं पे एंड, और इसी के साथ मेरे काम का भी एंड हो जाएगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।